हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 5252 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 चैप्टर 2। इसमें सेक्शन 50 बात करता है कि जो बोनाफाइड रेंट पे किया गया है किसी भी होल्डर को जो डिफेक्टिव टाइटल रख रहा था, तो अगर किसी पर्सन ने किसी को रेंट या प्रॉफिट पे किया है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इस फेथ के साथ कि वो जो गुड फेथ में कि उसने जो पे किया है या डिलीवर किया है किसी पर्सन को, वो उस गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को रख रहा था और बाद में पता चलता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो जो पर्सन था जिसे पेमेंट की गई या डिलीवरी की गई उसके पास राइट नहीं था कि वो उस रेंट को या प्रॉफिट को रिसीव करे, तो जो पर्सन जिसने रेंट पे किया या प्रॉफिट जो है वो डिलीवर किया वो चार्जेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करता है कि जो इम्प्रूवमेंट्स बोनाफाइड होल्डर किसी भी डिफेक्टिव टाइटल के अंदर बनाते हैं, मतलब अगर किसी को नहीं पता है ढंग से कि वो उस प्रॉपर्टी का होल्डर मतलब कि टाइटल है उसके पास कि नहीं है, और वो जो ट्रांसफ़री है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो कोई इम्प्रूवमेंट बनाता करता है उस प्रॉपर्टी में इस गुड फेथ के साथ कि वो एंटाइटल्ड है, और वो बाद में एविक्ट किया जाता है किसी अदर पर्सन के द्वारा जिसके पास ज़्यादा अच्छा टाइटल था, तो वो जो ट्रांसफ़री है उसके पास राइट है कि वो सामने वाले पर्सन को बोल सके जिसने एविक्शन कराया है कि वो उस प्रॉपर्टी की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इम्प्रूवमेंट की वो उसे दे, पे करे या सिक्योर करे, या फिर उसे सेल करे इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में मार्केट वैल्यू पे। जो इम्प्रूवमेंट की वैल्यू है उसको ध्यान पे रखने की ज़रूरत उस पर नहीं पड़ेगी, और जो अमाउंट है जो इम्प्रूवमेंट का दिया जाएगा या एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो उस टाइम की होगी जब एविक्शन हुआ है, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो बोले गए हैं ऊपर उसमें ट्रांसफ़री के ने अगर कोई प्लांट किया है या कोई बीज बोया है प्रॉपर्टी में, सो किया है कोई क्रॉप के लिए और वो ग्रो कर रहे हैं और तब उसे एविक्ट किया गया है, तो वो एंटाइटल्ड है कि उस क्रॉप को ले सके और वो फ्री में इंग्रेस कर सके या एग्रेस कर सके या उन्हें ताकि उन्हें गैदर कर सके और कैरी कर सके। फिर नेक्स्ट सेक्शन बात करता है कि जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का जो पेंडिंग सूट है उससे रिलेट कर रहा हो, तो जहाँ पे पेंडेंसी के द्वारा किसी कोर्ट में जिसके पास अथॉरिटी है इस इंडिया के लिमिट में वो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ करके और जो इस्टेब्लिश्ड हुए हैं उस लिमिट के आगे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो कि कोल्यूसिव नहीं है और जिसमें कोई राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी में डायरेक्टली या फिर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पे है, तो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, और जो आगे कुछ भी डील किया जाएगा किसी पार्टी के द्वारा सूट में या प्रोसीडिंग में वो अफेक्ट करने के लिए राइट्स किसी भी अदर पार्टी के ऐसे डिक्री या ऑर्डर से जो भी बनाया जाएगा, बस कोर्ट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए और जो टर्म्स हैं वो इम्पोज कर सकती है। फिर इस पर्पस के लिए, इस सेक्शन के पर्पस के लिए इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए जो पेंडेंसी है सूट की वो मानी जाएगी जब कमेंस हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रही है प्लेंट की, या फिर इंस्टीट्यूशन हो रहा है प्रोसीडिंग की कोर्ट में और कम्पीटेंट ज्यूरिस्डिक्शन है कोर्ट का, तो इस सेक्शन के पर्पस के लिए। और वो जब तक कि सूट प्रोसीडिंग चल रही है और डिस्पोज जो फाइनल डिक्री नहीं आती और उसके बाद जो डिस्चार्ज नहीं होती या डिक्री नहीं आती या ऑर्डर मिल नहीं जाता या फिर उसमें जो फिर से अपील का टाइम पीरियड है वो भी कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कि उसके एग्जीक्यूशन को माना जाए। तो अभी के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।